I was supposed to wear this for my healthy ceremony, but due to some reason, I couldn't wear it. So finally, the outfit came back almost 8 years. This is my trick for a flawless base, a full coverage, jo mua wala base hota na, bilkul waisa bana. Jaise hi shoot karne baithi hu na, dekho yahan pe chakkar kaatne shuru ho jate hain. Jab main bolti hu pehle nikal agar pehle nikal agar kya nikal? Port? Nahi. Fir? Ratmal. Arey yaar. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel or welcome to another makeup tutorial. काफ़ी time बाद मैं एक tutorial film कर रही हूँ. If you are planning to go to any wedding या फिर आप newly married हो, ये tutorial आपके काफ़ी काम आने वाला है. Step by step guide है पूरा एक makeup look create करने की for a wedding plus hair too. सबसे पहले मैंने लगाया heat protection spray. मैं हमेशा advise करूँगी hair पहले ही करके रखो. अगर आप makeup करने के बाद सोचो कि hair styling करोगे, नहीं हो पाएगी, time नहीं मिल पाता, जल्दी जल्दी में अच्छा नहीं होता. So किसी भी event में जाने से पहले 2 या 3 घंटे पहले आप hair styling करके रख सकते हो. इज बेस्ट. सो मैंने ट्यूटोरियल्स काफ़ी देखे कि स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे करते हैं. सो मैंने भी करने की कोशिश करी है एंड आई फेल्ड मिजरेबली. हुआ ही नहीं, मेरे से सब कुछ हो जाएगा, मेरे से प्रेसिंग मशीन से कर्ल ही होगी. आई ट्राइड माई बेस्ट लेकिन वो हो ही नहीं पाया. सो फाइनली आई गॉट बैक टू माई ओल्ड स्टाइल ऑफ कर्लिंग. मैं हमेशा एलन ट्रूमन का ये कर्लिंग वॉन्ड यूज़ करती हूँ और मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है. मैंने इसका एक पूरा ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब पेज पर डाला हुआ, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी. और मैंने क्विक इंस्टाग्राम रील भी बनाई हुई है, सो मैं दोनों नीचे डाल दूँगी. अगर आप प्रॉपर इसका इनडेप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो. ये एलन ट्रूमन की कर्लिंग वॉन्ड है, इसको मैं हाइएस्ट टेम्परेचर पर सेट करती हूँ और ये मीडियम साइज़ की है. अगर आपको बड़े बड़े चंकी कर्ल्स पसंद है, जैसे जो आप देखते हो ना ब्लो ड्राइड कर्ल्स होते हैं, वो आप लार्ज ले सकते हो. सो सेम वॉन्ड आपको लार्ज साइज में मिलती है और स्मॉल में मिलती है. मैं अभी मीडियम यूज़ कर रही हूँ. फाइनली सारे कर्ल्स करने के बाद मैं लगा रही हूँ बी ब्लेंड का हॉट शॉट स्प्रे ताकि एकदम होल्ड रहे, ताकि मेरे कर्ल्स खुले ना. नाउ स्टार्टिंग विद मेकअप राइट नाउ. स्टेप नंबर 1 इज मॉइस्चराइज. आई एम यूजिंग दिस एम्ब्रोलिस की क्रीम जो मैं स्पेसिफिकली अच्छे अच्छे ओकेजन के लिए रखती हूँ. और साइड बाई साइड में थोड़ी गॉसिप भी कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ. सो यार ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये सारे मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट है. नाउ आई नो वाई, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है. काफ़ी अच्छे से आपका बेस को एकदम नरिशमेंट भी देती है और एकदम फ्लॉलेस आपका बेस निकल के आता है. प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये प्रेप सेट गो प्राइमर. इट इज़ एक्चुअली अ एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ नायका का प्राइमर. सो अगर आपको नायका का प्राइमर अच्छे डील पे नहीं मिलता, आप ये प्लम का ले सकते हो. मेरा कोड भी है प्लम की वेबसाइट पर, Kashika15 फॉर एक्स्ट्रा ऑफ. ये एक बहुत अच्छा सिलिकन बेस्ड प्राइमर है. इससे जो भी आपके पोर्स स्कारिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं फेस पे, पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये फिल इन करने में काफ़ी हेल्प करता है. आई पर्सनली लव दिस वन. सो मॉइस्चराइज और प्राइम करने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया करो, लाइक 2 to 3 minutes रुक जाओ. एकदम अपना बेस स्टार्ट मत करना, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा लाइक अजीब सा हो जाता है. सो काफ़ी लोग कहते हैं हमने फाउंडेशन लगाया वो क्रैक होने लग गया बिकॉज आपने बीच में टाइम नहीं दिया. सो अब मैं कर रही हूँ कलर करेक्टिंग. मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरमल. ये मेरा फेवरेट शेड है, इससे बहुत अच्छी कलर करेक्टिंग होती है. और इसमें ड्रैग नहीं करना बिकॉज कलर करेक्टिंग हम एक पर्टिकुलर पोजिशन पर करते हैं, तो ब्रश को डैब 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 करना है, ड्रैग नहीं करना. अब आता है मेरा नया फेवरेट बेस कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा लगता है कोई भी पार्टी और इवेंट में. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टेल ऑर्डर का फाउंडेशन. ये मैंने मिनी वाला लिया हुआ और ये बहुत टाइम से मेरा चल रहा है, मतलब ये मिनी फाउंडेशन भी आपका काफ़ी लंबा चलने वाला है. और इसमें मिक्स कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. ये वैसे बोलते हैं अपने आपको प्राइमर है, रियल बेस प्राइमर, बट ये प्राइमर की तरह इतना काम नहीं करता. इट्स मोर लाइक अ स्ट्रोब क्रीम, जैसे मैक की स्ट्रोब क्रीम है ना, ये उसका एकदम अफोर्डेबल वर्जन है. मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. आप देख सकते हो शेड भी एकदम परफेक्ट हो गया. जो एस्टेल ऑर्डर का शेड था पहले वो हल्का सा डार्क था और ये मिक्स करती है हल्का सा लाइट भी हो गया और एकदम मेरे शेड पे आ गया. जो स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकअप बेस है ना, इसमें बहुत अच्छे टाइनी पार्टिकल्स हैं शिमर वाले, तो आपका बेस एकदम ग्लोइंग लगता है. तो आप कोई भी शादी या पार्टी का मेकअप कर रहे हो, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. आप कोई भी अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो या फिर बेस पर भी डायरेक्टली लगा सकते हो. अगेन डैब 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 कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही, बिकॉज ड्रैग करने से ना आपका फाउंडेशन हिल जाता है, अच्छे से सेटलअप नहीं होता. सो पहले हाथों से लगाया, ब्रश या ब्लेंडर से पिक मत करना फाउंडेशन को, अदरवाइज वो सारा सोक कर लेगा. हाथों से फाउंडेशन फेस पर लगा के फिर ब्लश को डैब कर रही हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर को अब मैं फाइनली डैब डैब करके पूरे बेस को सेट कर रही हूँ. मेक श्योर आपका ब्लेंडर अच्छे से डैम्प हो. अब मैं सेम ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर, बट दिस वन इज़ 130 मीडियम शेड. इससे मैं करने वाली हूँ हाईलाइटिंग. अब मुझे ना ज़्यादा ओवर हाईलाइटिंग करना पसंद नहीं है. अगर आपको बहुत शार्प कॉन्टोरिंग चाहिए, आपको एकदम शार्प फीचर्स अपने दिखाने हैं, तो आप एक या दो टोन और लाइटर कंसीलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं खाली एक टोन लाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ.
अगेन हाईलाइटिंग माई अंडर आइज बिलो द जॉ लाइन. अगर आप कॉन्टोर नहीं करते ना तो आप जॉ लाइन के नीचे अगर हाईलाइटिंग कंसीलर लगा दो तो वो भी एक रिवर्स कॉन्टोरिंग की तरह काम करता है. ये सिग्मा का ब्रश काफ़ी अच्छा है, इसका जो एंगल है ना इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है कंसीलर की भी, और आगे जो एक एंगल बना हुआ है ना उससे एकदम एग्जैक्ट आपका बिलो द कॉन्टोर हाईलाइटिंग हो जाती है, बिल्कुल प्रोडक्ट ऊपर नहीं जाता है. एंड आई पर्सनली लव इट. ये पूरा जो बेस कॉम्बिनेशन है ना ये मुझे आजकल बहुत सूट कर रहा है. सो अगर आपकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है आप ये बेस डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. अब लगा रही हूँ मैं ब्लश. अभी भी आपको शादी पार्टी का मेकअप करना होता है हमेशा ब्लश ऐसा लिया करो जो लिक्विड हो, बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पाउडर ब्लश इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. ये फ्लावर ब्यूटी का ब्लश है, इसका शेड मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. अब स्टार्ट करते हैं आईज के साथ. आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट इन द शेड 06. ये बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, इससे काफ़ी अच्छी लुक्स क्रिएट हो जाती है. और सारे इसमें मोस्टली जो शेड है वो मैट है, एक दो शेड शिमरी है, अदरवाइज सारे शेड जो है वो मैट है. सो अगर आपको न्यूड सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक करना पसंद है आप ये 06 ले सकते हो. इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. तो ये जो मैंने शेड लिया सबसे पहले उसे बेस को सेट कर लिया, फिर हल्के से और वार्मिश शेड से मैंने एक क्रीज बना ली. अब मैं दोबारा अपना फेवरेट आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, हुडा ब्यूटी की हेज आई शेडो. मुझे इसके ग्लिटर्स बहुत पसंद है, काफ़ी मतलब चंकी नहीं है, काफ़ी नेचुरल लगते हैं और लाउड नहीं लगते. ये पूरी जो मेकअप लुक है ना इट इज़ वेरी सटल, नॉट ऑल लाउड और लाइक एकदम ओवर मैं नहीं कर रही थी. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा. इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग मस्कारा. मेरी लैशेज लिटरली गायब हैं और जब मैं इस मस्कारा को लगाती हूँ ना बिल्कुल ऐसा लगता है मैंने फॉल्स लैशेज लगाई हैं. अगर आप फॉल्स लैशेज लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो आप ये वाला मस्कारा लेकर देखो, ये बहुत अच्छा है. इसका मिनी वर्जन भी आता है, आप वो भी ले सकते हो. अब फाइनली पूरा बेस हो गया, मैं उसको सेट कर रही हूँ लूज पाउडर के साथ. ये यूज़ कर रही हूँ मैं हुडा ब्यूटी का ईजी बेक लूज पाउडर इन द शेड शुगर कुकी, एकदम ट्रांसपेरेंट लूज पाउडर है. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इससे बेकिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रही बिकॉज आई थिंक जब ये मैंने ट्यूटोरियल फिल्म किया था तब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और इतनी स्वेटिंग मुझे तब नहीं हो रही थी. सो मैंने उस टाइम बेस को स्किप कर दिया था. अब मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ. आईब्रो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये मैंने अपने मेकअप क्लासेस में सीखा है कि आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो अगर आपकी आईब्रोज अच्छे से एकदम ऑन पॉइंट नहीं है ना वो मेकअप अच्छा नहीं लगता. सो मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इसमें ये एशी ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर है जो बहुत ब्यूटीफुली सूट करता है, बिकॉज जब मैं ब्राउन लगाती हूँ वो मेरी ब्लैक आईब्रोज पे अजीब लगता है और जब मैं ब्लैक कलर का लगाती हूँ तो वो बहुत ओवर लगता है. तो फाइनली मुझे ये शेड मिल गया इस पैलेट में. सो ये एशी ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर है और इससे मेरी आईब्रोज काफ़ी नेचुरल भी लगती हैं और बिल्कुल भी लाउड नहीं लगती. लाइक यू कैन सी द डिफरेंस लेफ्ट और राइट आईब्रो में कितना डिफरेंस है. सो अगर आप मेकअप भी सटल कर रहे हो ना प्लीज़ अपनी आईब्रोज अच्छे से फिल करो, उससे पूरी एक लुक आपकी चेंज हो जाती है. एंड फाइनली कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कोई भी शादी पार्टी का मेकअप करना है तो उसको अच्छे से सेट करना है. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे. आई लव दिस वन. इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी अजीब है फर्स्ट एड किट जैसी, लेकिन ये बहुत अच्छा स्प्रे, एकदम फाइन इससे स्प्रे निकलता है और मेकअप आपका बहुत ब्यूटीफुली सेट हो जाता है. सो जब मेरा हल्का सा सेटिंग स्प्रे गीला होता है ना फेस पर, ये मेरी एक ट्रिक है हाईलाइटर लगाने की. मैक का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ विद दिस पर्टिकुलर ब्रश. ये ब्रश सेट मैंने अमेजोन से लिया था, इसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगी. ये ब्रश एकदम परफेक्ट है हाईलाइटर लगाने के लिए. और जब मेकअप सेटिंग स्प्रे हल्का सा गीला होता है ना तो हाईलाइटर बहुत ब्यूटीफुली पॉप होकर आता है. लिपस्टिक लगाने से पहले इंपॉर्टेंट स्टेप थोड़ा सा खा लो, बिकॉज उसके बाद खाओगे तो लिपस्टिक स्मज हो जाएगी. एंड लिपस्टिक लगाने से पहले अगेन मैंने सबसे पहले आउटफिट पहन लिया. सो दिस वॉज माई एक्चुअल हल्दी आउटफिट जो मुझे अपने हल्दी फंक्शन में पहनना था. बट अगेन जो रिचुअल होता है कि आपको हल्दी फंक्शन का जो आउटफिट होता है वो किसी को देना होता है, आप उसको दोबारा नहीं पहन सकते. तो मैंने ये नहीं पहना बिकॉज ये मैंने काफ़ी महंगा लिया था. सो मैंने एक मीशो का सस्ता सूट पहन लिया था तब. फाइनली अब मैं इसको पहन रही हूँ ऑलमोस्ट मोर देन आफ्टर एन ईयर. सो मार्स का मैंने लिप लाइन लगाया डार्क ब्राउन कलर का, मैं शेड नीचे मेंशन कर दूंगी. उसके ऊपर मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मेबलिन की विनाइल इंक. इसको शेक करना होता है, ये बहुत अच्छा ग्लॉसी फिनिश देती है. एंड इसका शेड है इररेसिस्टिबल. आई पर्सनली लव दिस वन. जब अच्छे से आप इंडियन वेडिंग मेकअप करो ना तो ऐसे न्यूडिश ब्राउन लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. ये इयरिंग पहना लेकिन ये मैच नहीं हो रहा था. फाइनली एक परफेक्ट मैच इयरिंग मुझे मिल गया. इसमें जो पिंक फ्लावर्स हैं वो मेरे आउटफिट के पिंक फ्लावर से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं. ये मैंने अमेजोन से लिया था, दिस इज फ्रॉम जवेरी पर्ल्स बाय द वे. अगर ये अवेलेबल होगा तो मैं इसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी. एंड जब इयरिंग्स हैवी होते हैं ना तो मैं गले में कुछ नहीं पहनती, अदरवाइज बहुत ओवर लगता है. अगेन कोई भी लड़की अपने लिप शेड से संतुष्ट नहीं होती, मैं भी नहीं थी. तो मैंने इसके ऊपर टू फेस की लिपस्टिक लगा ली थी हल्का से इसको और सेटल डाउन करने के लिए. एंड दिस इज द फाइनल मेकअप लुक. इफ़ यू आर गोइंग टू एनी पार्टी और फंक्शन, अगर आप लाइट मेकअप करना चाहते हो या न्यूली मैरिड, ये पर्टिकुलर लुक बहुत अच्छी है, सुंदर भी लगती है एंड वेरी इजी टू डू. एंड दिस इज द फाइनल आउटफिट. ये आउटफिट का लिंक मैं सैडली नहीं दे सकती, अगर कुछ सिमिलर मुझे ऑनलाइन मिलेगा मैं डाल दूंगी. बट ये मैंने बॉम्बे सिलेक्शन से लिया था बिफोर माई वेडिंग ऑफ कोर्स. एंड उस टाइम 50% ऑफ चल रहा था तो मुझे ये 8,000 या 9,000 का पड़ा था. एंड इट फिटेड मी रियली वेल. आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एक साल पुराना सूट भी मुझे फाइनली आ गया. एंड या मेकअप इज इंटैक्ट. लव माई बेस टूडे, एकदम ग्लो मारा था.
एंड आई शैडो इज ऑल्सो परफेक्ट. द ओनली थिंग इज लिपस्टिक. लिपस्टिक एज यूजल मैं खा जाती हूँ, बट जो लिप लाइनर था वो काफ़ी अच्छे से इंटैक्ट रहा है. सो या दिस इज द होल लुक. आज की वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जो मैंने स्ट्रेटनर टॉन्ग्स जो यूज़ करें उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे. ये कर्ल्स बहुत अच्छे हुए हैं, ये मेरे ऑलमोस्ट दो तीन दिन आराम से निकल जाएंगे. सो लव इट. सो डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना. आई मेक मोर ऑफ दीज एंड या दैट इज टुडेज़ वीडियो. आई सी नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश है हम. अच्छा मेकअप हुआ है आज. खुश है. थैंक यू, थैंक यू. बाय बाय. तू बोले, तू बोले. थैंक